जी हाँ दोस्तों, हमने टेलीग्राम ओवन बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं जिसमें रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वेलकम मैसेज है, एंटी स्पाम मैसेजेस हैं या फिर लिंक्स हैं या फिर एंटी फ्यूड है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स के ऊपर हमने काफ़ी सारे पार्ट बनाए थे। जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो आप फर्स्ट पार्ट से देख लीजिए ताकि आपको ओवन बोर्ड बनाना भी आ जाए और आपको बाकी की चीज़ें हैं वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज मैं लास्ट का ये वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पे, तो मैं आज आपको सारा कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आप किस तरीके से ज्वाइन हाइडर कर सकते हैं, एग्जिट हाइडर कर सकते हैं, जब भी कोई भी हमारे ग्रुप में या चैनल में कोई बंदा ऐड होता है तो उसका जो मैसेज होता है नीचे हाइड या ज्वाइनिंग का या एग्जिटिंग का, तो वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। साथ में मैं और भी टॉपिक्स हैं, ब्रांडेड वर्ड्स वगैरह हैं, वो भी इसमें कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अगर पहले के भाग नहीं देखे हैं सारे, इसके फर्स्ट पार्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सारा, क्योंकि ये फ्री में है बिल्कुल और बहुत ही अच्छा बोट है जो मैंने आपको बताया है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो चलिए गाइस, वैसे आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए प्रीमियम मोड एपी के टिप एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस, मैं ओपन कर लेता हूँ टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद में जैसे कि आप सभी को पता है हमारा ये हेल्पर बोट हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया था, जो काफ़ी देखिए काफ़ी सारे फीचर्स है इसके अंदर, सब पे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज थोड़े से इसके फीचर्स बचे हैं। देखिए, आपको इसमें एक डिलीट मैसेज का ऑप्शन मिलता है, जो डिलीट मैसेज के अंदर आपको कमांड्स का ऑप्शन मिलता है। कमांड्स में देखिए यहाँ पर कुछ कमांड्स दी गई हैं जो ये ऊपर पूरा लिखा हुआ, विच कमांड डू यू वॉन्ट टू बी डिलीटेड, एग्जाम्पल दिया गया है एडमिन कमांड, अगर एडमिन ये वाला कमांड डालता है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, अगर यूज़र नेम ये कमांड डालता है तो ये भी डिलीट हो जाएगा, अगर एडमिन ने कोई कमांड डाली है स्लैश लगा के वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर कोई मेंबर लगाता है स्लैश लगा के तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, या फिर मेंबर ये वाली कमांड्स इन वाले सिंबल्स में कोई कमांड यूज करता है तो वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ से सेट कर करके यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सेटिंग को। बाकी मेरे ख्याल से ये आपको यूज में नहीं आएगी। ग्लोबल साइलेंट का ऑप्शन है, ग्लोबल साइलेंट में क्या होता है कि देखिए एवरी मैसेज फ्रॉम यूज़र एग्जैक्टली एडमिन मॉडरेटर एंड फ्री यूज़र विल बी डिलीटेड, अगर ये आप ऑप्शन यूज़ करते हैं और इसको आप ऑन कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स के जो मैसेज होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जो भी ग्रुप में सेंड करेगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फीचर मेरे हिसाब से तो आपको डीएक्टिवेट ही करके रखना चाहिए। उसके बाद में नाइट मोड है, नाइट मोड के बारे में मैंने लास्ट टाइम में बता दिया था आपको किस तरीके से यूज करना है, तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नाइट में अपने ग्रुप को मतलब एक सिक्योर करना तो आप इसे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सर्विस मैसेजेस, देखिए काफ़ी अच्छा ये वाला जो है ये काफ़ी अच्छा है सर्विस मैसेजेस। अब जिसमें मैंने बताया था आपको ज्वाइन हाइडर और एग्जिट हाइडर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही कोई बंदा ग्रुप में ज्वाइन होता है तो उसका जो मैसेज होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो उसके लिए देखिए ये आता है यहाँ पे, देखिए स्टेटस लिखा हुआ है ज्वाइन आफ्टर 0 मिनट, एग्जिट आफ्टर 0 मिनट, न्यू फोटो आफ्टर 0 मिनट, न्यू टाइटल आफ्टर 0 मिनट, पिनेट मैसेज आफ्टर 0 मिनट। तो यहाँ पे आप सबका टाइम फिक्स कर सकते हैं, आपको उसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद में टाइमिंग आपको जो भी डालना है, ये प्लस में 1 मिनट डालनी है, 1 मिनट के बाद में ज्वाइनिंग अगर आप मैसेज डिलीट करना चाहते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चाहेगा 1 मिनट के बाद में, सब लोग यही चाहेंगे कि -0, तो मैंने 0 ही कर दिया है, जैसे ही ज्वाइन होगा साथ के साथ वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से फोटो वाला भी कर सकते हैं सेम टू सेम, सबको यस 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 राइट पर क्लिक करके यस कर लेना है आपको, और जो भी आप करना है करना, जो भी ऑप्शन यूज करना है मैंने सबको देखा 0 टाइमिंग पे कर रहा है, 0 मिनट्स पे, तो ये जैसे ही ज्वाइन होंगे ऑटोमेटिकली उनके ज्वाइनिंग मैसेज है, एग्जिट मैसेज है, फोटो वगैरह जो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इसमें आता है शेड्यूल डिलीट, तो यहाँ पे देखिए आप चाहते हैं कि आपका जो वेलकम मैसेज है वो 2 मिनट के बाद में या 5 मिनट बाद में डिलीट हो जाए जैसे ही मेंबर ज्वाइन हो, तो यहाँ पे वो मैसेजेस आप यहाँ पे सेट आपको इसको राइट कर देना है, राइट करने के बाद में आपको टाइम जो भी सेट करना है वो कर लेना है। मैंने देखिए 2 मिनट किया हुआ है, तो अगर मैं इसको प्लस बंद करूँगा तो 3 मिनट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। पनिशमेंट का भी जो मैसेज होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा 2 मिनट के बाद में, और वेलकम का भी जो मैसेज है डिलीट हो जाएगा 2 मिनट के बाद में, सेम टू सेम तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक कालेड है, ब्लॉक कालेड जो है जो आप यूज़ करना चाहें तो इसमें, बाकी ये फीचर मेरे हिसाब से आपको यूज़ में नहीं आएगा तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। डिलीट ऑल मैसेजेस, तो ये भी आपके यूज़ में नहीं आने वाला क्योंकि ये इसमें आपको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये क्या है कि जब आप अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे फाउंडर्स वगैरह स्टाफ वगैरह को ऐड करते हैं तो तभी आपको ये फीचर यूज़ में आएगा, तो आप थोड़ा रीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेजेस सेल्स
डिस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो है ऑल द मैसेज विल बी डिलीटेड रिगार्डिंग ऑल एडमिन फ्री ETC। तो ये अगर आप एक्टिव करते थे तो आपके मैसेज जो हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, तो इसे आप डीएक्टिवेट ही रखें। तो मैं यही कहूँगा मैसेज सेल डिफरेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद में देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे है अदर, अदर का ऑप्शन है। अदर में लॉग चैनल है, अगर आप चाहते हैं अपने चैनल के जो लॉग्स हैं वो एक दूसरे चैनल के ऊपर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना चैनल ऐड कर देना है जहाँ पे आपको सारे लॉग्स दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद में बैंड एडवर्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, जो मेरे जिसको जिससे मेरा ग्रुप काफ़ी अच्छा बिल्कुल एकदम मेंटेन रहता है, तो ये बैंड एडवर्स का है, ठीक है। यहाँ पे आपको वार्निंग जो देनी है दे दीजिए आप, मैंने यहाँ वार्निंग दी हुई 1 डे के लिए, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर बैंडेड वर्ड डालता है, जैसे काफ़ी लोग आप चाहते हैं कि सेलर, मेरे सेलर्स भी होते हैं जो मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, फिर वो जो ग्रुप के मेंबर से पैसे लेकर के फ्रॉड करते हैं, तो उनके लिए आप उनके सर्विस मैसेज के अंदर उनकी सर्विस को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली बैंडेड वर्ड्स को यूज़ कर करके। तो यहाँ पे जो भी आपको डालना है, आपको वॉन करना है, उनको किक करना है या म्यूट करना है या बैन करना है, तो मैंने यहाँ पे वॉन किया हुआ है तो वॉन कर दिया है, उनका मैसेज डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली तो ये ऑटोमेटिकली यस कर दिया। सेट वार्निंग ड्यूरेशन, तो मैंने यहाँ पे 1 डे किया हुआ है, तो आप जो भी करना चाहे अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, 1 ओवर 5 ओवर जो भी आप यहाँ पे क्लिक कर करके सेम एग्जांपल की तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ से मैंने लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैं बैंडेड जो भी मैंने बैंडेड वर्ड्स यूज किए हैं, देखिए सारे ये मैंने ये लिस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो भी आपको ऐड करना है, आप ये क्लिक कीजिए। आप जिस भी तरीके के मैसेज को आप चाहते हैं कि कोई मेंबर ना सेंड कर सके, कोई फॉरन वर्ड्स हैं या फिर जैसे भी वर्ड्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे डाल रखे हैं तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये भी डालना नहीं, तो आप यहाँ पे जो भी वर्ड है वो वन बाई आप लिख करके बिल्कुल सेंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको वो ऐड हो जाएंगे, वो जब भी बंदे कोई भी बैंडेड वर्ड डालेंगे तो वो देखिए सब यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जैसे वॉच टाइम होगा, इंक्रीज होगा, सर्विस होगा, प्रमोशन होगा, प्रमोट होगा, स्पेशल होगा, जो भी वर्ड आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है ना, 1 बाई 1। तो ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में देखिए रिकरिंग मैसेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको एक्टिव करना है, ठीक है, एक्टिव पे क्लिक करना है, एक्टिव करना है। उसके बाद में आपको ये देखिए ऊपर ये एक वाइट सा और इसके बाद में एक ब्रैकेट सा बना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आपको कस्टम मैसेज सेलेक्ट करना है, जो भी मैसेज आप डालना चाहते हैं, आपको वो टेक्स्ट डालना है, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डाल करके ओके कर देना, सेंड कर देना, वापस बैक आ जाना, ठीक है। आपको बैक का ऑप्शन आएगा, बैक आ जाना, ठीक है। देखिए मैं जैसे ऐड कर रहा था सी करके दिखा देता हूँ, मैंने ये मैसेज ऐड कर रखा पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक मैसेज बना लेना जो भी है, और बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला, अगर आप यूज़ करेंगे तो वाकई में आप बोलेंगे काफ़ी मज़ा आ गया। उसके बाद में आप मीडिया कोई फोटो वगैरह यूज़ करने चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन करके यहाँ से कोई मीडिया फोटो वगैरह भी सेंड कर करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कोई URL सेट करना है तो आप URL सेट कर लीजिए, सेम टू सेम मैंने बताया था, जैसे कोई भी आपको जैसे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वर्ड लिखना है, डैश लगाना है, स्पेस फिर डैश फिर स्पेस फिर उसके बाद में जो लिंक है वो पूरा लिंक HTTP जो भी लिंक है वो डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे आने के बाद में देखिए ये मेरा थोड़ा सा इशू आ जाता है कई बार नेट का, तो यहाँ पे ही देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये एक बटन देखिए फ्री प्रीमियम एप्स, ये मैंने एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है ना, जो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। बैक कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में आपको टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। आप जो टाइमिंग सेट करना चाहते हैं यहाँ से टाइमिंग सेट कर देनी है, आपको कितनी देर के अंदर सेलेक्ट द स्टार्ट टाइम, ठीक है, कितनी बजे इसका ये जो ये प्रोसेस है कितनी बजे आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो टाइम आपको ऐड कर देना। जैसे अभी 5:49 हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि 5:50 से ये ऑप्शन चालू हो जाए, मैं फिर 5 पे क्लिक करूँगा, फिर वो अभी ये मिनट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, उसके बाद में वो सेकंड मिनट दिखाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 5:00, चलिए मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, और 5:00 चलिए मैं 51 मिनट 5:51 से ये सर्विस चालू हो जाएगी, देखिए टाइम ऐड हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिलीट लास्ट मैसेज, जो हर 10 मिनट के अंदर जो मैसेज जाने वाला, देखिए मैंने एवर टाइम मैंने यहाँ सेट किया गया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। और आप चाहते हैं पिन कमेंट का, अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन काम करेगा तो पिन कमेंट वाला काम करा लिया जी, या वाला करा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बैक करता हूँ मैं यहाँ पे, बैक करने के बाद मैं ऐड मैसेज पे जाता हूँ मैं, और ऐड मैसेज ये आपको यूज़ में नहीं कर पाएंगे आप, तो मैं यहाँ पे ये एक्टिव किया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एवरी 10 मिनट्स का जो टाइमिंग है यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए 10 मिनट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5:51 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज मैं आपको अभी दिखा दूंगा किस तरीके से रिकैप्चा, तो ये टाइमिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है ना।
आपको कितना होवर के अंदर ये मैसेज सेंड करना है अपने ग्रुप में हर होवर। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट पे सेट किया हुआ है, हर 10 मिनट में ये मैसेज मेरे ग्रुप में ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये मैसेज हर 10 मिनट में मेरे ग्रुप में आता है, तो सके तो भी आ जाएगा। ये तो ये रहा, देखिए रहा, ये रहा, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल प्रीमियम फ्री प्रीमियम एप्लीकेशन है, और ये एंट्री ज़्यादा ग्रुप पोर्ट ग्रुप बेस्ट मोड एंड क्रैंक एप्स। तो मैं कोई भी इस पर क्लिक करता है डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाता है, या इस पर क्लिक करता है तो डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये मैसेज हर 10 मिनट में ऑटोमेटिकली ये मैसेज आता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, इसमें जो ऑप्शन नेक्स्ट आने वाला है वो आने वाला है एडिट चेक्स, जो मैंने शायद आपको पहले बता दिया है। कोई ओल्ड मैसेज मॉडिफाई करना है या एडिट मैसेज एडिट सजेशन करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कमांड परमिशन है, जो कमांड परमिशन क्या होती है, जो आपके स्टाफ वगैरह है, आपने और भी ग्रुप में मेंबर्स को ऐड कर रहा है, तो आपको ये फीचर उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओपन करके। बाकी सारी डिटेलियाँ दी हुई जो आप यूज़ कर सकते हैं देख करके। पर्सनल कमांड्स वगैरह हैं वो आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मुझे जो यूज़ करता हूँ परमानेंटली, वो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। ये फीचर्स मैं यूज़ में नहीं लेता हूँ क्योंकि इनको मुझे नहीं लगता इनकी जरूरत है। काफ़ी सारे फीचर्स जो मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो गाइस, अगर ये पूरा वोट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।